जो भी बड़े आदमी इस देश में आते हैं उसको यहाँ आकर फूल चढ़ाना होता है। ओके, जो भी बाहर से, जो भी प्रेसिडेंट भी आते हैं किसी भी कंट्री से, हाँ, उनको आकर यहाँ नमन करना है। ओके, बहुत ही बढ़िया बगीचा जिसे आप कहते हो, बगीचा कह सकते हैं आप उसको, बगीचा है बहुत बड़ा, उसमें बहुत डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं। ये वो महल है जो बनाया गया था, उसका नाम था मोप्लेजिया। मोप्लेजिया, मेरी खुशी, यहाँ उनको खुशी मिलती है, शांति मिलती है यहाँ आते। अच्छा, तो ये महल तब बनाया गया था उनके लिए। और ये अशोका ट्री भी अपने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें लगाया गया था 1998 में मॉरिशस में, अशोका ट्री। नाम बदलता रहता है जी, और लेकिन बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। चलिए, यदि उसको नहीं देखा तो मॉरिशस नहीं देखा। ओके, चलिए जी, अब तो आप मिडलैंड में पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम मॉरिशस। और आज का कुछ प्रोग्राम ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, एक बोटेनिकल गार्डन है, पहले उसे चेक कर लेते हैं। सुना है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह, और बहुत ही बढ़िया बगीचा जिसे आप कहते हो, बगीचा कह सकते हैं आप उसको, वो बगीचा एक बहुत बड़ा, उसमें बहुत डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं। मस्ट विजिट प्लेस, किसी ने मेरे को बोला कि अगर आप हैं यहाँ पे मॉरिशस में तो उसको ज़रूर देख कर आइए देव। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। और उसके बाद का प्रोग्राम तो हमें भी नहीं पता क्या प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद, अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो वो तो आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाना है, और अगर नहीं होता है तो भी आपको पता चल जाना है। लेकिन कोशिश करेंगे कुछ और भी देख लें, आज जब जा ही रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा विजिट कर लें एक दो जगह और जाने से पहले। और एज़ यूज़ुअल बारिश यहाँ पे जम के हो रही है, जिस दिन से आया हूँ उस दिन से बारिश, तो मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो रही है, लेकिन जिस दिन निकलता हूँ, जैसे ही निकलता हूँ थोड़ी देर बाद, मिडवे एक यहाँ पे एक जगह है जो मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था जिसे बोलते हैं मिडलैंड, मिडलैंड में परमानेंट बारिश रहती है। वो थोड़ा ऊंचाई पे है, और जितना आप सी के पास आ जाएंगे नीचे की तरफ, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल रहता है। एज़ यूज़ुअल मेरे साथ ऐसा होता रहता है, आपने मेरे अगर ब्लॉग देखे हो तो मेरे को कन्याकुमारी जब मुन्नार भी जा रहा था तब भी बारिश मिली थी, ओवरऑल ज़्यादातर जगहों पे बारिश मिलती है, पता नहीं मेरा और बारिश का क्या नाता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी अच्छा है, वेदर अच्छा रहता है, घूमने मज़ा आता है। जिस दिन सी पे जाता हूँ उस दिन मेरी कोशिश ये रहती है, भगवान आज धूप निकलती रहे, क्योंकि बारिश में फिर मज़ा नहीं आता स्विम करने में ना, तो इस वजह से। चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करते, अभी आपको दिखाते हैं बोटेनिकल गार्डन यहाँ का, द किंग ऑफ बोटेनिकल गार्डन। चलिए, आज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? हम पॉम्प्लेमोसिस गार्डन जा रहे हैं जो नोस प्रांत में है, उत्तरी प्रांत में जी। पहले पहल जब फ्रांसीसियों का राज्य था जी, फ्रांसीसी गवर्नर उस समय का माहिर अबूद ने, उन्होंने गार्डन का नाम रखा था मोप्लेजिया, यानी कि उनकी खुशी। ओके, अपनी खुशी के लिए जिन जिन देशों में उनके परिवार है जी, उन देशों से पेड़ पौधे फूल फल आदि लाकर यहाँ पर बो दिया जी, और किसी विशेष व्यक्ति को डाल दिया इस काम को देखने के लिए। ओके, गार्डन बहुत सुंदर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसने अपना एक महल बना दिया उसी के बीच में, उसको कहते हैं शातू जो मोप्लेजिया, अर्थात उनकी खुशी का महल। अच्छा, उसके बाद जब फ्रांसीसियों का राज्य समाप्त हुआ, हाँ, अंग्रेज़ों ने 1810 के युद्ध को जीत लिया, तो अंग्रेजों ने उसका नाम रख दिया महारानी विक्टोरिया के नाम पर, रॉयल बोटानिकल गार्डन। हाँ, यानी कि वो बोटानिकल गार्डन हो गया रानियों का, रॉयल। ओके, ब्रिटिश का, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज्य कंट्रोल होता था, वो क्वीन मदर, ओके, वो एलिजाबेथ की माता, हाँ, विक्टोरिया, ओके, का नाम था विक्टोरिया, उसके नाम से चला, लोगों ने उसको खूब सजाया, बहुत सारी चीज़ बना दिए वहाँ पर,
और वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है इन दिनों, जैसे भारत में महात्मा गांधी के लिए स्थल है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, शव को जलाया गया था जी, यहाँ पर भी देश के राष्ट्रपिता सर शिव सागर राम गुलाम, जिसकी लड़ाई से, जिसके कठिन संघर्ष से देश स्वतंत्र हुआ जी, उनकी मृत्यु जब हो गई तो वहीं पर उनको जलाया गया, उनके शव का पार्थिव शरीर उसी गार्डन में आज हम लोग देखेंगे उसको जी। और बड़े ही श्रद्धा के साथ लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी बात है, एक फूल है जो 100 साल में एक बार उगता है वहाँ पे, 100 ईयर वहाँ जहाँ जा रहे हैं। अच्छा, उनको तालीपो कहते हैं, तालीपो वो जिस समय उसमें फूल आता है जी, संसार भर के लोगों को पता होता है, वो लोग आते हैं मॉरिशियस में, घूमते हैं, गार्डन में घूमते हैं और उस फूल को देखने आते हैं। अभी लगा हुआ होगा वो? पता नहीं, हम जाकर देखेंगे हम लोग, यदि खुशकिस्मत हम लोग है। इसीलिए हर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में नए पौधे रोपते हैं जिससे वो लगातार आता जाए। अच्छा, जिनका समय हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए गार्डन का बहुत बड़ा खासियत है, बहुत बड़ी बात है वहाँ। यदि कोई मॉरिशियस आ गया, वो उस गार्डन को नहीं विजिट किया, नहीं देखा, उसके अंदर एक बहुत ही अजीब तालाब है। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल है और पत्ते हैं। अच्छा, शायद ही संसार के किसी देश में इतना बड़ा पत्ता होगा, कमल का पत्ता और उनके फूल, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत सुंदर खिला हुआ और बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। अभी एक फूल वहां पर लगा दिया लोगों ने, जो मॉरिशियस का माने मोटो हो गया है जी। उस फूल का नाम है ट्रोकेचिया, फूल का नाम है ट्रोकेचिया। हम लोग उस फूल को भी देखेंगे जो राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया मॉरिशियस का। डोडो तो है ही मॉरिशियस का। अभी एक दिन हम म्यूजियम में जाएंगे शहर का जी, देखेंगे। म्यूजियम में बहुत सारी चीज है जो रखा हुआ है जी। मेबर्ग में एक म्यूजियम में हम लोग जाकर देखेंगे जहाँ लड़ाई हुई थी, जो अवशेष है बड़े बड़े जहाजों का जो हवा से चलती थी। अच्छा, तो उन सारी बातों को हम देखेंगे, लेकिन आज विशेषकर हम पाम्पलेमूस गार्डन जा रहे हैं। पाम्पलेमूस गांव का नाम है, पाम्पलेमूस पाम्पलेमूस गार्डन, जिसका पहल नाम था मोप्लेजिया और बाद में हुआ रॉयल बोटानिकल गार्डन। इन दिनों जब से देहांत हो गया, शहीद हो गए ये राम गुलाम जी, देश के पिता, उसका नाम हो गया SSR गार्डन, सर शिव सागर राम गुलाम नेशनल गार्डन। अब वो गार्डन इनके नाम से हो गया। तो समय समय पर नाम बदलता रहता है जी। और लेकिन बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। चलिए, यदि उसको नहीं देखा तो मॉरिशियस नहीं देखा। ओके, चलिए जी, अब तो आप मिडलैंड में पहुंचने वाले हैं, हम वहीं पहुंच के आपको दिखाते हैं वो गार्डन कैसा है। और यहाँ से इनका कॉमर्शियल स्टार्ट हो जाता है। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे से पूरा कॉमर्शियल, एक MNC भी आगे की तरफ जाके दोनों तरफ दिखती है यहाँ पे। ये मेन रोड है मॉरिशियस। अपने लिए तो अच्छा है, गर्मी सराहत है, ज्यादा बेटर है कि बारिश होती रहे। ठीक है जी, यहाँ पे अब धूप निकल रही है, अब हम पोर्ट लुइस की ओर मतलब जा रहे हैं। रास्ता पोर्ट लुइस के लिए भी जाता है। सामने देखिए पूरे में धूप निकल रही है। आ गए हैं जी पोम्पलेमूस में, एंटर कर लेते हैं अंदर, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको पोम्पलेमूस गार्डन, बोटैनिकल गार्डन बोले तो, बोटैनिकल गार्डन सबसे बड़ी गार्डन। अंदर तो एंट्री हो चुकी है जी। ये कमल के फूल दिख गए हैं राइट पे, बहुत बड़े बड़े पत्तों के साथ। ये वो, और ये पेड़ देखिए आप सामने जो है पाम। ये बड़ा डिफरेंट पाम ट्री है, बहुत सारी इसकी जड़ें हैं और एक में से निकले हुए हैं काफ़ी सारे, ब्यूटीफुल। तो ये जो ट्री है इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज दिस अंकल? रिपब्लिक ऑफ चाइना जब आए थे तो उन्होंने इसको बोया था। कहाँ से आए थे? चाइना के, वो जो रिपब्लिक, अच्छा चाइना थे। ओके, 209 में वो आया था जी, और स्मारक में 2009। और ये जो पेड़ है जी, ये अपने इंडिया से है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका नाम
ये अब्दुल कलाम जी के उसमें बनाया गया, मतलब अब्दुल कलाम जब आए थे उन्होंने अपने हाथ से, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, ये अपने भारत का पेड़ है जी, मतलब इस तरीके से लगाते हैं वो लोग, आके ला के लगाते रहते हैं जिससे एक यादगार बन जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इतने डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं। ये साउथ अफ्रीका के ये तो प्रेसिडेंट आए हुए थे नेल्सन मंडेला, ओके, तो उनका बोया हुआ स्मारिका ट्री, ये अफ्रीका के उन्होंने लगाया था प्रेसिडेंट ने उनकी याद में। डिफरेंट डिफरेंट है ये, अगर आप गौर से देखें पीछे चाइनीज था। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं जो हॉल बना हुआ है, यहाँ पे इनके मॉरिशियन के जो इनके प्रेसिडेंट थे, प्रथम प्रधानमंत्री बोले तो फर्स्ट सागर राम गुलाम, हाँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनको यहाँ पे दफनाया गया था बरी किया गया था। हाँ आइए चलते हैं देखते हैं इसको भी, वहाँ पे मॉरिशियन फ्लैग लग रहा है। हाँ वो जाए। और ये है उनका, हाँ और क्या कहते हैं उसको, समाधि जैसे गांधी समाधि है दिल्ली में, ओके, उसी प्रकार ये शिव सागर राम गुलाम समाधि, श्री सागर राम गुलाम वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और राष्ट्रपिता है देश का, जो भी बड़े आदमी इस देश में आते हैं उसको यहाँ आकर फूल चढ़ाना होता है, ओके, जो भी बाहर से जो भी प्रेसिडेंट भी आते हैं किसी भी कंट्री से, हाँ उनको आकर यहाँ नमन करना है, ओके। ये सारे पेड़ हजारों वर्ष पहले से, हाँ पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, लंबे बहुत हजारों साल पहले से, देखे वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी हैं, क्योंकि ये भी फेमस स्पॉट है यहाँ पे घूमने का, काफ़ी फॉरनर्स आते हैं देखने इसको, जैसे वो आने सामने से सब। और ये वो जगह है जहाँ पे किसी भी देश का अगर कोई भी प्रधानमंत्री आता है तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं वो लोग, उनको ऑफर करने के लिए फ्लावर्स, नमन करने के लिए, जिससे वो आकर यहाँ आराम से रह सके। ये वो महल है जो बनाया गया था, उसका नाम था मोपलिजिया। मेरी खुशी, यहाँ उनको खुशी मिलती है, शांति मिलती है यहाँ आते। अच्छा तो ये महल तब बनाया गया था उनके लिए, मोपलिजिया का मतलब होता है खुशी के लिए। और ये देखिए लिखा हुआ है SAMDHSSR, इसको ले, ये समाधि राम गुलाम, ये समाधि राम गुलाम, वो तारीख आदि सब देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस इन द ये जो पेड़ है ये इंग्लैंड की जो प्रिंसेस थी, तब तक क्वीन नहीं बनी थी वो, ये मार्गरेट या प्रिंसेस मार्गरेट 1956 में लगाया था उन्होंने ये पेड़, मॉरिशस उनका ही था पहले, आफ्टर जब वो डच चले गए थे उसके बाद, हाँ 1810 के बाद, या आप काफ़ी बड़ा हो गया, 1956 में लगाया था। पीछे पेड़ देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं। और ये महल आज बंद है, कैसल जो था उनका, वरना अंदर भी जा सकते थे, आज बंद है। ये मॉरिशियन फ्लैग है। और ये अशोका ट्री भी अपने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें लगाया गया था 1998 में मॉरिशस में, अशोका ट्री। आप लोग कह रहे होंगे मैं आपको ट्रीज दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत साल पहले लगाए गए हैं, लाके लगाए गए हैं, ये इस आइलैंड पे थे नहीं, ये बाहर से लाके लगाए गए हैं, ये अपने इंडिया का है। तो जी जिनके आगे पत्थर लगे हुए हैं ना, ये सब दूसरी कंट्रीज़ के प्लांट्स हैं। अब एक वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा ट्रीज, क्योंकि इनके ऊपर लिखा हुआ है कोई फ्रांस से है, कोई रोड्रिक्स है जो ब्रावल आइलैंड है, पीछे एक दूसरी कंट्री से था, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, जिम्बाब्वे आई थिंक। तो ये हैं पेड़, देख लीजिए जैसा भी है।